वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज यश एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जावा को कैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा ताकि आप अपने सिस्टम में विंडो जावा को इंस्टॉल कर पाएँ। तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम ओपन करने वाला हूँ। अपने अकॉर्डिंग अपना ब्राउज़र चूज़ कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो क्रोम में सबसे पहले आपको, ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ, पहले स्टार्ट से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जावा को डाउनलोड करने के लिए जावा एसी डाउनलोड टाइप करना है, एंटर करना है और आपका जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा oracle.com का, उसको आपको ओपन करना है। जावा के कई सारे वर्जन हैं, ओल्ड वर्जन भी है, 11 जावा एसी 8। आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है विच इज़ 15.0.2। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए आपको JDK डाउनलोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, देख सकते हैं आप JDK के बहुत सारे फाइल्स आ गए हैं स्क्रीन पर। मैक के लिए, लिनक्स के लिए अलग अलग फाइल आपको डाउनलोड करना है। आपका जो भी सिस्टम हो, आपका लिनक्स है तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कीजिएगा, मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड कीजिएगा। मेरा विंडोज़ है और 64-bit का मेरा सिस्टम है, तो मैं 64-bit की ये वाली फाइल डाउनलोड करने वाला हूँ। .exe एक्सटेंशन की फाइल है ये, इसको मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है आपका सिस्टम 64-bit का है या 32-bit का है विंडोज़, तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आप दिस पीसी को ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप में 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। मेरा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका 32-bit का होगा तो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ होगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सिंपली कि आपका 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, वापस से क्रोम को ओपन करता हूँ और हम लोग 64-bit के लिए ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करने वाले हैं। देखिए, इसको कुछ ये चेकबॉक्स को टिक करना पड़ेगा और डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, ये 160 MB की फाइल है, इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले से डाउनलोड किया हुआ हूँ। आप सिंपली इसको डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करने के लिए आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं, आपको दिस पीसी पे जाना है। OS जो सी ड्राइव है आपकी, मेरे में जो OSC लिखा हुआ है ये, इस पर क्लिक कीजिए। सिंपली प्रोग्राम फाइल्स पे जाइए, उसके बाद आपको जावा नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। और ये देख सकते हैं आपके JDK 14.0.2, मेरे पास ओल्डर वर्जन पड़ा हुआ है जावा का। आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिएगा तो आपके 15.0.2 शो करेगा। तो आप इसको सिंपली ओपन कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप जावा की फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जावा जो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है मेरे सिस्टम में। आपको चेक करने के लिए कि जावा का कोड आप रन करा पाएंगे या नहीं, कभी कभी होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो उसके पाथ को नहीं ढूंढ पाता है कि हमारा जावा कौन से फोल्डर में डाउनलोड है। तो उसको चेक करने के लिए आपका आप कोड रन करा पाएंगे या नहीं, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिएगा और चेक करने के लिए टाइप कीजिए जावा स्पेस -n वर्जन। देख सकते हैं आप यहाँ पे जावा वर्जन 14.0.2 लिखकर आ रहा है। आपका अगर ये फाउंड नहीं करेगा तो आपके में नॉट फाउंड समथिंग एरर शो करेगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे दूर करना है आपको। तो सबसे पहले उसको करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दिस पीसी पे फिर से वही लोकेशन पे जाना है जो मैंने बताया था, प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK को ओपन करना है सिंपली। और ये बिन नाम का जो आपका फोल्डर दिख रहा है इसको ओपन कीजिए और यहाँ से इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लीजिए। सिंपली यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद वापस से दिस पीसी ओपन करना है, राइट क्लिक कीजिए माउस से, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए और आप ये देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। आपका ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ये ओपन हो जाएगा पॉपअप, इसमें आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, इस पर क्लिक कीजिए एंड सिंपली आपको सिस्टम वेरिएबल्स नाम का जो ये दिख रहा है इस पर आप पाथ पे आइए और पाथ में जाके न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे वेरिएबल नेम
पाथ डालिए, वेरिएबल वैल्यू को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा जो भी आपने कॉपी किया हुआ है अपना पाथ को, और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। सिंपली मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पे गिवन हुआ, मैं दे चुका हूँ इसमें अपने जावा का पाथ, एंड इस पर सिंपली फिर से ओके करिएगा आप, और यहाँ पे ओके किए, और आपको ये सब क्लोज कर देना है, और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। और आप यहाँ पे तब अगर जावा हाइफन वर्जन एंटर करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली दिखाएगा आपका जावा का वर्जन, जो भी आपका जावा का वर्जन होगा। तो ये पाथ आप, ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।